मुझे राज्य नहीं चाहिए, न तू अहम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न अपुनर्भव, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या एकमात्र इच्छा है? दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आरतिना। यह भारत है। स्वामी जी कहते थे इस भारत को क्या करना है? हे भारत, तुम्हारा जन्म इस विश्व में प्रभुता संपन्न होकर उपभोग करना, विश्व पर राज्य करना नहीं है। तुम काली माता के बलि वेदी पर खंभे से बांधे हुए पशु हो। तुमको बलि जाना है मानवता के लिए, अपने लिए तुमको नहीं जीना है, दुनिया के लिए जीना है। यह भारत है, वो भारत के साथ हमको एकात्म होना है, तदात्म होना है, हमको भारत बनना है और उस भारत की नजर से विकास करना है। शरीर मन बुद्धि का विकास तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इस आत्मा का यानी आत्मीयता का विकास, अपनेपन के आधार पर सारी बातें चली। आज कैसे चलती है? आज के दुनिया के चलने के पीछे किस डायनेमिक का, किस मैकेनिज्म का प्रयोग होता है? तो भाई, दुनिया में लोग बहुत है, चाहिए बहुत, चाह बहुत है, साधन मर्यादित है। एंड्स आर एंडलेस, मीन्स आर लिमिटेड, पहली बात है। और इसलिए देर इज अ स्ट्रगल, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और स्ट्रगल है तो फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जितनी आयु मिली है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि ही है और कुछ है नहीं, तो उसको तृप्त करने वाले सारे उपभोग जितने ज्यादा तुम प्राप्त कर सकते हो और जितने ज्यादा दिन अपने आप को उपभोग करने में समर्थ रख सकते हो उतना करो, वही जीवन का सब कुछ है। बाद में क्या है पता नहीं। इस डायनेमिक्स पर दुनिया चलती है, इस डायनेमिक्स को बदलने का काम भारत का है, इस डायनेमिक्स को बदलने का काम भारतवासियों का है। संपूर्ण दुनिया को इन सबको जोड़ने वाला तत्व देना है, संपूर्ण दुनिया के अर्थ कामों को नियंत्रित करने वाला, उसके उसके उद्यम को संतुलित करने वाला धर्म देना है, तब सारी दुनिया सुखी होगी। तब दुनिया विकास और पर्यावरण में कलह, विज्ञान और अध्यात्म में कलह, राजा और प्रजा में कलह, समाज और व्यक्ति में कलह, क्योंकि स्ट्रगल, संघर्ष से ही दुनिया आगे जाती है। सब लोग झगड़ा करो, झगड़े में जो दुर्बल है वो मर जाएंगे, फिर जो सबल है वो राज करेंगे। करते करते अंत में एक रहेगा, वो अकेलेपन में बोर होकर मर जाएगा खुदकुशी करके, और क्या होगा? इसमें कोई भविष्य नहीं है, इसमें ऐसी भयंकर अनिश्चितता है जो हृदय को भयभीत कर देती है। भारत आश्वस्त करता है ऐसा नहीं है, इसके परे है जो कुछ है वो, ये दिखता है, इसमें से जाना है, इसको डी रिकॉग्नाइज मत करो, इसका भी रिकॉग्निशन करो, इसमें भी उद्यम करो, लेकिन ये ध्यान में रखकर करो कि वास्तविकता इसके परे है। वो इन सब टूटे हुए धागों को जोड़ के रखती है, इसलिए दुनिया चल रही है। उसको ध्यान में रखकर जीवन जियो। तो अविद्या और विद्या दोनों को प्राप्त करो, अविद्या से मृत्यु पर विजय और विद्या से अमरता प्राप्त करो। अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतम अश्नुते। इस जीवन को जी के उसी जीवन की राह पर सबको चलाना। भारत विकास परिषद का निर्माण डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने स्वयं ऐसा जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर किया, स्वयं ऐसे लोगों को जोड़कर उनमें ये बोध जगाकर उनको कार्य प्रवृत्त किया। तो कार्य पद्धति की भी कई बातें उनकी अनुभव की बातें हैं, हमको सीखने लायक है,
सारे समाज को सीखने लगा है, भारत विकास परिषद को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर सुरेश प्रकाश जी देश के जीवन को जिस प्रकार का मोड़ देना चाहते थे, देश के महाजनों ने जिस प्रकार का उदाहरण रखना चाहिए उसके लिए और जिस प्रकार से काम करना चाहिए उस तरीके का उदाहरण उन्होंने स्वयं रखा, उसके आधार पर उन्होंने कुछ बातें रखी, तो लोग अब डॉक्टर सुरेश प्रकाश जी को हम नहीं देख सकेंगे, लेकिन भारत विकास परिषद को सब लोग देख रहे हैं। उनमें उस विचार का, उस व्यवहार का, उस कार्य पद्धति का प्रतिबिंब लोग देखना चाहेंगे और दिखाना भारत विकास परिषद का काम है, क्योंकि देश को आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है, क्या जरूर क्या है ये सब करने की, देश का वगैरह वगैरह, तो देश का भाई प्रयोजन है, भारत किस प्रयोजन से इस दुनिया में है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये क्यों हुआ, बाकी तो सब मिट गए, देखते देखते आक्रमणों की आंधी में 77 साल में स्पेन से साइबेरिया एक रंग में रंग गया। अभी भी उस आक्रमण के प्रभाव वहां मिलते हैं, कुछ देश तो सदा के लिए बदल गए, मिस्र का इजिप्त बन गया, पर्शिया का ईरान बन गया, अभी वापस जाने की राह बंद है उनके लिए, वो अपने मूल तक नहीं जा सकते, उन्हीं आक्रमणों को झेलकर देखते देखते तीन खंडों में राज्य साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसी कीर्ति जिनकी थी, कितने लोगों के और भूतकाल को उन्होंने मिटा दिया, आज वो अंधेरे में है, अपने पीछे देखते तो उनको अंधेरे ही दिखता है। उन सब आक्रमणों को झेलकर भी आज हम जिंदा है, हिंदुस्तान है, किस लिए है, हमको ये दायित्व है दुनिया के जीवन में, समय समय पर दुनिया को आवश्यकता रहेगी इस संतुलन को वापस लाने की। भारत उठ रहा है, भारत इसके लिए उठ रहा है, केवल महाशक्ति कहलाने के लिए नहीं उठ रहा है, भारत को क्या करना है, महाशक्ति बन के, आज जो महाशक्ति बन गए उन्होंने क्या किया, दुनिया पर डंडा चलाने के अतिरिक्त और बड़ी बड़ी सुनहली घोषणा के पीछे अपने स्वार्थ साधने के अतिरिक्त क्या किया, हमको नहीं बनना है वैसा, हम विश्वगुरु बनेंगे। सब बातों में हमारा विक्रम रहेगा, आर्थिक बल देखो, सामरिक बल देखो, देश की मजबूती देखो, देश का प्रकृति पर्यावरण को देखो, सब बातों में दुनिया में हम नंबर वन रहेंगे, लेकिन सारी दुनिया हमारे जैसी बने, हम नहीं बनाए, वहां के लोग आकर देखे सीखे और बनाए। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्व मानव, सारी पृथ्वी से मानव आकर यहां अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर जाएगा और अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी पूजा के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपने भूगोल इतिहास के अनुसार, इन शाश्वत तत्वों के आधार पर एक मानवतापूर्ण जीवन अपने देश में खड़ा करेगा। हम किसी को जीतेंगे नहीं, हम सबके हृदय जीतेंगे, इस प्रकार का निश्चय करके भारतवर्ष को उठना है, और भारतवर्ष को उठना है तो भारत का विकास होना चाहिए। भारत का विकास जिस परिषद को करना है उसको उस विकास का उदाहरण बनना चाहिए, इसलिए इस संगठन का काम चल रहा है, ये और गति से बढ़े और बढ़ते बढ़ते शीघ्र ही अपना गंतव्य प्राप्त कर ले, उसके लिए इसके सब कार्यकर्ताओं को डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जीवन का अनुकरण करने की बुद्धि हो, इसलिए जन्म शताब्दी मनाई गई, वो सफल संपूर्ण हो, ऐसी शुभकामना आप सबको देता हुआ और कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मेरे चार शब्द संपन्न।